have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. At the end of the day, it is up to all of us to turn challenges into opportunities. मुश्किलात में इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, सदर आसिफ जरदारी का ओपोजिशन के शोर शराबे में मुफाहमत का पैगाम। इख्तलाफात मिल बैठकर हल करने का मशवरा दे दिया। आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास से खिताब, कहा हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं, फैसला करना होगा मुल्क कौम के लिए अहम क्या है। हकीकी कोशिश से सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है। सदर का सऊदी अरब, चीन, UAE, कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत का खिताब ऐवान मछली बाजार बन गया। ऑपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया, सीटियां और बाजे बजाकर शोर शराबा। सदर आसिफ जरदारी का ऑपोजिशन को मुस्कुराकर जवाब। ऑपोजिशन और पीपल्स पार्टी अरकान आमने सामने आ गए। जयालो के एक जरदारी सब पे भारी के नारे। लीगी अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने हसार बनाए रखा। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से कबल सदर और वजीर आजम की मुलाकात हुई। वजीर इत्तलात अता तारड़ PTI पर बरस पड़े, बोले पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। लगता है बानी PTI दोस्त ममालिक के खिलाफ बयान देने की हिदायत करते हैं, फिर तरदीद आ जाती है। तहरीक इंसाफ में ये नौबत क्यों आती है कि ऐसे बयान दें। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के जेर सदारत पार्लियामेंट में अहम इजलास। IG पंजाब की मुलाकात में अहम मुशावरत हुई। वजीर दाखिला का कहना है कच्चे के इलाके में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मोहसिन नकवी बतौर निगरान वजीर आला पंजाब कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सरगर्म रहे। वजारत आला के दौर में कच्चे में अगले मोर्चों का दौरा किया था। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा पहले हुआ, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल का नया इंकशाफ। फैजाबाद धरना कमीशन को दिए गए बयान में कहा कि शाहिद खाकान ने मुआहदे में वजीर के इस्तीफे और फैज हमीद के नाम पर एतराज किया था। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहदा तो हो चुका, इस पर दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। फरसूदा तरीक़ेकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। आलमी सरमायाकारी मंसूबों में लापरवाही कबूल नहीं। सऊदी वफ्द का दौरा शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारी से मुतल्लिक जायजा इजलास से खताब, कहा मंसूबों के लिए आलमी माहरीन की खिदमात ली जाएं। सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों के तकमील की खुद निगरानी करूँगा। मुतहदा अरब इमारात में दुबई, शारजा और अबू धाबी समेत दीगर खलीजी रियासतों में तूफानी बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया और मुतासर इलाकों में फ्लैश फ्लड के बायस कई अहम इलाके पानी में डूब गए। मुतादद हलाकतें हुई, जबकि दुनिया के मसरूफ तरीन दुबई हवाई अड्डे पर मुतादद परवाजों का रुख मोड़ने के साथ साथ दो घंटे तक परवाजें मुतासर रही। के महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को होने वाली गैर मामूली बारिश एक दिन में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खातम अल शक्ला के इलाके में सबसे ज्यादा 254 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। होशियार खबरदार, मोबाइल सिम्स बंद होंगी। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट के लिए आसान निजाम लाया जाएगा। डेटा की हिफाजत यकीनी होगी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद मुंह जोर सैलाबी रेलों से तबाही। गवादर में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। पसनी शहर की गलियों और घरों में पानी भर गया और माड़ा और जवानी में मुतअद्दिद घर गिर गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसूल नदी का पुल टूट गया।
कराची और गवादर का जमीनी राबता मुनकता, राबता सड़कें बहने से अब मुतअद्दिद देहात का जमीनी राबता भी खत्म हो गया। हरनाई सिब्बी ट्रेन सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल, मुतासर इलाकों में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर में बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने पंजाब में बारिश की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान में आइंदा दो रोज में तेज बारिश मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें होंगी। हमने सेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी इस सेक्टर में जो जो इस्लाहात होने की जरूरत है उसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने एक पूरा रोड मैप पेश किया है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी जो सालाना नुकसान जो उनके ज़िम्मे है, जिसका हजम तकरीबन इस साल 560 अरब रुपए के तकरीबन पहुंच जाएगा इस साल सिर्फ जून तक। बिजली चोरों को माफ़ी नहीं मिलेगी, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। कहते हैं बिजली चोरी से सालाना नुकसान 560 अरब तक पहुंच गया। बिजली कंपनियों को चलाना हुकूमत का काम नहीं, ये कंपनियां फरोख्त होनी हैं। इस मुतालिक बातचीत जारी है। बिजली कंपनियों के बोर्ड गैर सियासी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी तावन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। तुर्क चीफ की दहशतगर्दी से निमटने में पाक फौज की तारीफ। तुर्क चीफ ने जीएचक्यू में यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। मेरे सिख भरा, भैन, मामा, बुजुर्ग सबनों मेरे वालों ते नवाज शरीफ साहब वालों बहुत बहुत जी आया नू, सबनू खालसा जन्मदिन की मुबारकबाद। नवाज शरीफ साहब ने तानू बधाइयां भी भेजिया ने, तो उन्होंने कहा कि जेडे मेरे सिख भरा ने वो बॉर्डर तो पार वो दूरबीन नाल वेखते ने, तो उन्होंने वास्ते रास्ते खोलो, बॉर्डर खोलो ताकि वह आन। तो अज मैनू इत्थे तानू देख के बहुत खुशी हो रही। मैं इन्हों स्पेशल इंस्ट्रक्शनस दितियां। मैं इन्हों क्या कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिहड़ी सड़क का इन्होंने मैनू किया है वो सड़क का मैं पहले ही ऑर्डर दे के आई हाँ। वज़ीर आला मरियम नवाज बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद देने करतारपुर जा पहुंची। कहा बैसाखी मेला सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है, सिख बरादरी को कभी अकलियत नहीं समझा, आप हमारा हिस्सा हैं। मरियम नवाज का करतारपुर आने वाले सिख जायरीन के तमाम मसाइल हल करने का ऐलान। मरियम नवाज ने सिख लंगर हॉल में यात्रियों के साथ बैठकर खाना भी खाया। पंजाब में खसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा का फैसला। बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का भी फैसला। माली खुद मुख्तारी के लिए 2 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा। मरियम नवाज की स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत। वजीर आला ने प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। 5 जून से प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी करने का फैसला। हुकूमत ने सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली। पुलिस जिमनी बल्दियाती इलेक्शन के बायस पोलियो मुहिम के लिए दस्तयाब नहीं। के पी के हुकूमत ने विफाक को आगाह कर दिया। पंजाब में जिमनी इलेक्शन के लिए फौज और रेंजर्स तलब। पाक फौज और रेंजर्स के जवान इलेक्शन पर रिजर्व ड्यूटी देंगे। 21 अप्रैल को पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पुलिस और एलीट फोर्स तैनात होगी। जरूरत पड़ने पर फौज और रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में सरकारी कीमतों पर रोटी और नान की दस्तियाबी का मिशन। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर में टेंपल रोड, करीम पार्क और ठोकर में छापे। महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 अफराद गिरफ्तार, पॉइंट्स सील। जमात की जो अमानतें मेरे सुपुर्द की जाएंगी उनकी और निज़ाम जमात की पूरी पूरी हिफाजत करूंगा। जमात के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूंगा। ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक फरमा। हाफिज नईमुल रहमान ने अमीर जमात इस्लामी का हलफ उठा लिया। हाफिज नईमुल रहमान हलफ उठाने के दौरान आपदीदा हो गए। हाफिज नईमुल रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर हैं।
आवाज की चाशनी से समातों में रस खोलने वाले लोक गुलुकार आरिफ लोहार को सालगिरह मुबारक। पंजाब के रवायती लोक विरसा की नुमाइंदगी करने वाले आरिफ लोहार 58 बरस के हो गए। मदाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार।